मैक्स मुलर, ये वही आदमी है जिसने ब्रिटिश इंडिया या फिर बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आके हमारे देश को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम दान में दे दिया, जिससे हमारी जनरेशन ने तो सफर करा ही करा और आने वाली कितनी जनरेशन सफर करने वाली है इसका तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। अब इससे आगे मैं तुम लोगों से कुछ बोलूं और कुछ पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज वाले लोग आके मुझे ही कमेंट्स में गालियां लिखने लगे, मैं तुम लोगों के सामने इन्हीं की कुछ कोटेशन रख देता हूं जो इन्होंने 1835 में अपनी स्पीच के दौरान कही थी पूरे इंडिया से। द फर्स्ट कोटेशन इज, इंग्लिश इज फार मोर सिविलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड देन अरेबिक एंड संस्कृत। सेकंड कोटेशन इज, बाय स्टडिंग इंग्लिश इंडिया विल बी एबल टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड एंड कैन बी सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड। यानी कि इनका मानना यही था कि इंडिया अपनी लैंग्वेज छोड़ के अगर इंग्लिश ही पढ़ता रहे तो ही वो सिविलाइज्ड और कल्चर्ड रहने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। और इससे ही बात नहीं चली तो इनका एक लेटर पढ़ के तुम्हें सुना देता हूँ जो इन्होंने अपने पिताजी को लिखा था और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है, ओनली बाय इंग्लिश लैंग्वेज कैन इट बी एंश्योर्ड दैट देयर आर पीपल बॉर्न इन इंडिया हु आर इंडियंस बाय कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश बाय आइडियोलॉजी। जिसका नतीजा हम आज के टाइम में देख भी रहे हैं, जो